ये 69,000 वाले नौजवान दर दर भटक रहे हैं, ये सरकार जानती है, आयोग की भी रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो उन्हें संविधान से अधिकार मिला है आरक्षण का, उसके साथ खिलवाड़ हो रही है। और मैंने ठीक कहा, और उसका उदाहरण दिया मैंने कि जिस समय समाजवादी सरकार में पुलिस में मेरिट पे भर्ती हुई थी, उस समय नौजवान भर्ती हो गए थे बड़े पैमाने पे, रिजल्ट हाईकोर्ट रुक गया था। जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो बच्चे जनरल में चले गए थे पिछड़े और दलित उनको निकाल दिया गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दावा कर रहे हैं कि इतनी नौकरी मिल रही है, तो सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है तो पिछड़े और दलितों भाइयों के साथ हो रहा है धोखा। भाई समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है। क्या देखिए वो बजट की बात है, लेकिन अगर आप बजट में देखोगे बजट में क्या इंतजाम है, लेकिन जितने पेपर लीक हुए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते इतने पेपर लीक हुए होंगे सरकार में। और एसआई की भर्ती तो खुली चर्चा में है, बताओ 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक दे दो, कोई सा दे दो। देखिए जो बच्चे बैठे हुए मांग कर रहे हैं कि उनके भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार को ये पता है कि इसमें सरकार को पता है कि उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के धांधली हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने मिनट में सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए? पूरे मिली भगत थी सबकी, जो इंस्टीट्यूशन में जहां पर परीक्षा हो रही थी वो मिली हुई थी इंस्टीट्यूशन, जिसने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया वो मिली हुई थी, और लगता है सरकार मिली हुई थी, इसीलिए इतनी बड़ी धांधली संभव थी। बताइए एसआई की भर्ती में लोगों ने कम समय में सब क्वेश्चन कर दिए, वो बात तो सामने आ गई, और जाने कितने लोग गिरफ्तार हो चुके। आप बताइए दरोगा भर्ती पेपर लीक, UPPCL की भर्ती पेपर लीक, UPSSC के लोअर सबॉर्डिनेट की पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस की पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी में धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक के रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, UPSSC में जो पेपर लीक, UPTET पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द, कितनी लीक हुए, कितने पेपर आउट हुए, इसका कोई जवाब सदन नेताजी के पास नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद।